को दिखाए थे सारे। आज हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं दोबारा डैलस के लिए। निकलते हुए आपको दिखाते हैं डैलस से कैलिफोर्निया और एरिजोना वगैरह का सिस्टम किस तरह से चल रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले फिर, छोटा सा है लेकिन बॉर्डर के ऊपर है ये मेथल के नाम। अभी बताओ टाउन के बारे में। मैं कह ये बॉर्डर के ऊपर है और ये अभी हम 2 मील पीछे हैं बॉर्डर से, एरिजोना के बॉर्डर से। ये मेथल के नाम से एक टाउन है और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा टाउन है और इसके साथ रिवर है। रिवर जो है वो ऐसा इन्होंने डिवाइड किया हुआ है बॉर्डर पे कि आधा एरिजोना का है और आधा जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। ये इधर इस शहर के बारे में, रिवर के बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि ये जो सारी वाकफियत है हमें, तो मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, इसलिए मैं इनको बता हुए डिस्क्राइब करें। तो दुर्गा ने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा खूबसूरत टाउन है ये। जैसे अभी हम पास कर रहे हैं एग्रीकल्चर है सारों चारों तरफ, बहुत एग्रीकल्चरल ऑप्शन है। हाईवे पे भी आप देखें, मैं दिखा रहा हूँ रोड आप लोग को, इस टाइम पे एक पेपर तक यहाँ भी नहीं मिलेगा। बहुत सफाई का ख्याल है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बोलते हैं वो है बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये देखें हरियाली, देखें ये खेती बाड़ी है, खजूर की तरफ है, फार्म है। अभी लेफ्ट साइड पे जो है ये नीडल्स हैं, ये है एग्रीकल्चर है ना स्टेट, इसलिए यहाँ से अलाउ नहीं करते कि कोई वहाँ से कोई आप कोई प्लांट बाहर से लेके आए या यहाँ से कोई लेके जाए। तो इस तरह से ये सारा इन्होंने हर गाड़ी को यहाँ से क्रॉस होके जाना है। और ये वाहिद स्टेट है कैलिफोर्निया जहाँ से आप ये मतलब गाड़ियाँ ऐसे निकलती हैं, बाकी पूरे अमेरिका में चले जाएँ कोई बॉर्डर के कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये रिवर आया साइड पे, ये देखिए ये रिवर है जो हाफ हाफ इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, आधा एरिजोना पे और आधा जो है। अभी रिवर में पानी बहुत कम है, ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है क्योंकि जब बारिश होती है। ये देखें ये लोगों ने छोटे छोटे खुद ही बनाए हुए हैं, ये यहाँ से ये शुरू हो गया हमारा एरिजोना, शुरू हो गया यहाँ से नई स्टेट शुरू होती है एरिजोना। कैलिफोर्निया हमने पीछे छोड़ दिया अब ये एरिजोना शुरू हो गया। ये उसका फर्स्ट एग्जिट है और ये हम एरिजोना के 390 एग्जिट हैं, यानी 390 एग्जिट, एवरी एग्जिट जो है वो समझे 1 माइल है, तो 390 माइल हम क्रॉस करेंगे तो फिर हम दूसरी न्यू मैक्सिको स्टेट में आप दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ दिल करता है लोग बेचारे वो आर्मी लेके आते हैं, जहाँ दिल करता है रात गुजार लेते हैं या वो हफ्ते 10 दिन के लिए एक ही जगह पे रुक जाते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, फिर निकल जाते हैं आगे। अब गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आर्मी रखी हुई है, आराम से आते जाते जहाँ दिल करते रोक लेते हैं, जंगल हो कुछ भी नहीं है, डर खौफ कोई नहीं है, तो आपको कोई चोर मतलब आ जाएगा, आपको लूट लेगा, आपको ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और प्रोटेक्शन आपकी हर जगह पे, जंगल पे भी आप अगर पुलिस को हेल्प के लिए करेंगे तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है पुलिस पहुँच जाती है।
ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये है कानून यहाँ का ज़बरदस्त। इसलिए यहाँ पे हर कोई आने को चाहता है कि अमेरिका आ जाए और सेटल हो जाए, सिर्फ यही एक वजह है। वरना कमाता खाता बंदा हर जगह है, लेकिन जो भाई हमारे दोस्त बता रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के हर बंदे का दिल करता है कि यहाँ के सेटल हो जाए। यार इसका कोई चक्कर नहीं है, काला गोरा ब्राउन कोई भी है, इसका कोई चक्कर नहीं है, सबके इक्वल मतलब आपको राइट मिलते हैं। आप जंगल में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो गई, आपने किसी हेल्प के लिए किया, अगर गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकी तो हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है, जहाज पहुँच जाता है वहाँ। इतनी माशाल्लाह इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तेज है और ज़बरदस्त है, ये क्विक सर्विस है हर चीज़। ये आगे हमारा ट्रक के लिए जा रहे हैं तो ट्रक का वेट स्टेशन आता है, हर ट्रक को यहाँ से चेक करते हैं कि वेट ज़्यादा तो नहीं है, और बिल्कुल एक्यूरेट वेट लेके जा सकते हैं। ज़्यादा होगा तो आपको उसको या तो एडजस्ट करेंगे या फिर उसको टिकट देंगे, ताकि ये क्योंकि रोड की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि रोड जितना ज़्यादा लोड करेंगे ना, वो लोड एक लिमिट रखा हुआ है इन्होंने, ओवर लोड लेके नहीं जाने देते ये लोग, रोक देते हैं ट्रक। यानी हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है, देखें हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस, यानी कि ट्रक भी आप लोड बराबर ना कम ना ज्यादा, हर चीज का चेक एंड बैलेंस है, और कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब चेक हो जाएगा। ये कैमरे लगे हुए हैं, इसके ऊपर स्कैन हो जाएगा। अब ये है कि मेरे को इन्होंने फ्री पास दे दिया कि आप निकल जाए, ये वो दूसरे सामने वाला ट्रक है उसको अंदर बढ़ा लिया, ये देखा वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि उसको उसका ओवरलोड है, वो चेक करेंगे और मेरा लोड सही है उनको, तो मुझे उन्होंने बाईपास दे दिया कि आप बार बार से निकल जाए। ये देखा ये ट्रक है अंदर दूसरा वाला, और ये आप गए बाहर, क्योंकि हम लोग एक्यूरेट थे, उन्होंने स्कैन कर लिया। ये हमारा यहाँ फ्री पास लगा हुआ है, ये हमें बता देता है कि आप यहाँ इनके स्कैनर लगे हुए हैं, यहाँ से हमें सिग्नल मिल जाता है, अगर अंदर जाना है वो वेट, अगर उनको डाउट हो तो वेट अंदर करा देते हैं। ये वे ब्रिज, यहाँ पे सब कुछ है, ये खड़े हैं ना, इनकी इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद ये यहाँ से इनको ले। अट्रैक्शन दिखाते हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक्चुअल अमेरिका दिखाऊं, एक्चुअल लाइफ दिखाऊं, एक्चुअल लोगों का रहन सहन दिखाऊं जो हमारे लोग रह रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ ट्रक पे निकला हुआ हूँ, लॉन्ग जर्नी पे आया था मैं डैलस से कैलिफोर्निया, और अब कैलिफोर्निया से वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्त हमारे साथ हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ये 12-15 साल से रहते हैं, और ट्रक ड्राइविंग में भी ये पिछले 5-6 साल से हैं, तो इनकी एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको सब दिखा रहे हैं। ये एरिजोना स्टेट का आप देख सकते हैं कि बोर्ड, इस टाइम हम एरिजोना के अंदर 5 किलोमीटर अंदर आ, 5 माइल अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे माइल है, हमारे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में किलोमीटर है, यहाँ पे अभी भी हम माइल्स के हिसाब से चलते हैं। ये देखें हाईवे के ऊपर सारे सबवे, पेट्रोल स्टेशन, एवरीथिंग अवेलेबल होती है, और ये एक रेस्ट एरिया और एक पेट्रोल पंप पे जब उठते हैं तो अगले का भी टाइम बता देते हैं कितने माइल दूर है अगला, सब पता लग जाता है, तो उसी हिसाब से बता के प्लानिंग करके निकल जाता है। ये देखिए साइन लगा हुआ है, उसके लिखा हुआ नीचे एग्जिट 17, इसका मतलब 17 है, यहाँ 5 एग्जिट गए, 12 माइल के बाद फिर एक स्टेशन आ जाएगा। ये तरीके का आ रहे हैं, और ये छोटा सा पहाड़ी रास्ता है, ये ज़्यादा 2-3 मिनट का है, इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं है, क्योंकि हम इस जिस रूट पर जा रहे हैं इस रूट में ज़रा पहाड़ कम है, कि अगर यही दूसरी तरफ हाईवे है उस पर तो टोटली बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और ज़िगज़ैग है रोड है। तो
मुझे उम्मीद है इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको पहले शायद ही किसी ने दी हो, जो अभी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, तो इंशाल्लाह इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।